ये रमजान के आते हैं यहाँ पर लूटना शुरू हो जाती है लोग आकर, बहुत खतरनाक है। इस टाइम आदमियों का खाना जो है मुश्किल हो गया इस दौर के अंदर मेरे भाई। रमजान आ गया और साथ में महंगाई भी आ गई, ये भी शुक्र है अल्लाह का। सर बात ये है कि फ्रूट इसलिए सब महंगा है कि सीजन का फ्रूट नहीं है, ये अभी सर्दी की वजह से सारा माल रुक गया था। ये खरबूजा भी गर्मी का है, तरबूज भी, गुलाची भी, ये चीकू भी। अब महंगाई तो सब चीज़ें अपनी जगह है, हमने दूध के पे ही महंगाई थी, पेट्रोल पे भी आटा 160 रुपये किलो हम खा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो है निज़ाम बड़े ख़राब हुए पड़ा, हर आदमी महंगाई पर लगा पड़ा है, बस जिसकी जहाँ लग रही है वो लगा रहा है। अब हर आदमी इंसान जो है वो फ्रूट वालों को आकर ही बोलता है, फ्रूट वालों के लिए ही करता है कि फ्रूट महंगा है, फ्रूट महंगा है। ना हम दूध को देखते हैं, ना हम आटे को देखते हैं। अगर हम सब्जियों को देखें तो वो भी बहुत महंगी हुई पड़ी हैं, क्योंकि फसलें तबाह हो गई हैं सर्दी की वजह से। अब कहने का मतलब ये है कि लोगों को हर चीज़ पर अगर नज़र डालें तो हर जगह महंगाई है। गरीब आदमी बहुत मसले में आया हुआ, अल्लाह रहम करे, गरीब आदमी अल्लाह पाक अपना रहम करे। रेट आप देख लो, फ्रूट देख लो, 100 ऊपर है हर चीज़। गोश्त देख लो 1000 रुपये किलो, सब्जी देख लो, सब्जी भेंड 200 रुपये किलो, आलू 200 रुपये किलो, टमाटर 250 रुपये किलो, प्याज। तो कहाँ जाएंगे लोग, ये तो समस्या बढ़ाता है हमारा, तो मसला हो गया बहुत। अभी यहाँ पर आए हम शॉपिंग करने के लिए, जिस चीज़ को भी हाथ लगा रहे हैं वो ऐसे भाव बता रहे हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि अभी लेके जाएँ ना लेके जाएँ। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हम ये नहीं कहते जो शौक की चीज़ें हैं, कम से कम जो ज़रूरत है सुबह शाम की दो वक्त की, वो चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजीन, मैं हैदराबाद से बोला हूँ, 12 नंबर से। ये हम महंगाई के खिलाफ जगह, कितनी महंगाई हो रही है, खरबूजा देख रहे हैं आप, ये 150-120 रुपये किलो बिक रहा है, बगीचे इतना महंगा आ रहा है, गरीब आवाम क्या करे। ये रमजान के आते हैं यहाँ पर लूटना शुरू हो जाती है लोग, आगल ठेले वाले करेंगे क्या, लेने वाला क्या बोलता है, इतने महंगा दे रहा, क्यों दे रहा है महंगा, ये महंगा आगे से आ रहा है, इस वजह से महंगा देख रहा है, नहीं ये नहीं देखते लोग भाई महंगा क्यों हो रहा है, आगे से महंगा लोगों ने यहाँ से महंगाई खत्म कर रही है। सब जगहों को ये करना चाहिए, महंगाई को खिलाफ के लड़ना चाहिए। रमजान के आते अपने ऐसा लगता है सारी कमाई इधर ही हो जाती है महंगाई के खिलाफ ही।